तो गाइस मैं अभी खड़ी हूँ बाड़ी के पास। मेरे को तो कंफर्म पता नहीं है कि हम लोग का टमाटर बचेगा कि नहीं, क्योंकि आज रात में जो है ना बैल जो है आकर ना पूरा टमाटर को खा दिए हैं, पूरा नुकसान कर दिए हैं, इसलिए पता नहीं बचेगा कि नहीं। वैसे अभी मैं जो है ब्लॉगिंग शूट कर रही हूँ ना, वो अपने बाड़ी के पास हूँ मैं, और यहीं पास खड़ी हूँ यहाँ पर। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस, आप लोग देख सकते हो इधर का जितना भी टमाटर सबको पूरा खा कर इधर हम लोग लकड़ी से ढेखरी दिए थे, इसको कैसे इधर से उधर वो कर दिए हैं, तोड़ मरोड़ कर जो है भाग गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस, एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो चले गाइस आज के व्लॉगिंग को शुरू करते हैं गाइस। और आज का जो है मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, वो है 7 बजकर जो है 15 मिनट्स के अराउंड जो है मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। सो सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं जो है घर से इधर आई हूँ बाड़ी के साइड। मेरे को एक्चुअल में मऊआ की बुनाई भी करना है, और आज जो है हमारे जो सनफ्लावर है सूरजमुखी वो है फूलने को तैयार हो गया है गाइस। सो अभी हम लोग ना इधर लगा दिए थे सूरजमुखी, आप लोग को दिखाती हूँ, देख सकते हो उस साइड हम लोग लगाए थे सूरजमुखी, और इधर और उस साइड भी लगाए हैं हम लोग सूरजमुखी, जो अब फूलने को तैयार हो चुकी है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इधर मस्त मस्त दिखेगा। अभी इधर का जो सूरजमुखी है ना वो अभी फूला नहीं है, बट 4 से 5 दिन के बाद जो है सूरजमुखी भी जो है फूलना स्टार्ट हो जाएगा। इधर हम लोग टमाटर वगैरह को लगा दिए हैं उस साइड, कल पानी से सिंचाई किए हैं ना मेरे मम्मी जो है, तो अभी गीला है तो उस साइड मैं नहीं जा रही। और अभी हम लोग बाद में कुदरी को बहुत ज़्यादा हम लोग ढूंढेंगे, इसको यहीं पास छोड़ कर चली गए हैं मेरे मम्मी, इसको जा रही हूँ उधर रखने के लिए। तो इसको मैं करूँगी उस साइड। इधर पानी से कल से सिंचाई कर दिए हैं मेरे मम्मी जो है, इसको बोलते हैं बैगन। गाइस अब कुछ चलिए दिखाती हूँ, ये वाला सूरजमुखी फूला है तो कितना अच्छा से दिखाई दे रही है। अभी जिस साइड ना सूरज का उगना स्टार्ट होता है ना गाइस, उसी साइड जो है सूरजमुखी का जो है फेस रहता है। तो आप लोग देख सकते हो इधर से और इधर से, ये इसका भी सेम वैसी है, ये भी फूलने के लिए तैयार है। इसका भी इधर से जो है सूरज उगा है, और इस साइड इसका भी फेस है, हम लोग लगाए हैं और उधर खेत के साइड भी लगाए हैं। सो गाइस चलिए चलते हैं उधर, मऊहा को भी बिनना है मेरे को, तो मैं ना एक कुदाली को यहाँ पास रखूंगी। यहाँ पास छेना को सुखा दिए हैं, इधर बाड़ी के इधर के टमाटर को तो खा दिया है बैल जो, कहाँ से आ जाता है, आ तो पूरा खा दिया है बाड़ी के टमाटर को। गाइस मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो वो दादी जो है महुआ बीनने के लिए आई है ना, वो ना देख रही है मेरे को। कहाँ होती का बा, इधर भी हम लोग टमाटर को लगाए हैं, पता नहीं यार दिमाग खराब हो गया मेरा। इधर में टमाटर जो फूलने के लिए स्टार्ट हो गया है, तो उधर जो है ना दादी जो है अभी मऊहा बीन रही है, और आज रात में जो है ना गैया आए थे तो पूरे प्याज को खा दिए हैं, इधर का इस साइड का एक भी नहीं बचा है।
उस साइड का बचा है थोड़ा थोड़ा, और इधर का तो पूरा खाकर चट कर दिए हैं। सो अभी हम लोग इसको पानी से सिंचाई करेंगे, जितना उतरेगा उतना उतर जाएगा इसमें कांदा, कोई गारंटी तो नहीं है क्योंकि पूरा खाकर चले गए हैं। सो अभी हम लोग पानी को चालू किए हैं बोर का, तो पाइप में जो है ना पानी को ले जा रहे हैं इधर। सो गाइस आपको दिखाती हूँ, इधर ना मैं और मेरे मम्मी दोनों जने अभी हम लोग पाइप को फंसाए हैं और अभी जा रहे हैं प्याज की ओर। अभी हम लोग ना प्याज को सिंचाई कर रहे हैं पानी से, और इधर से अभी हम लोग ना चालू किए थे बोर को, तो अभी इधर से जो है पानी जो है जा रहे हैं। मेरे अम्मा जो है ना यूरिया का भी सिंचाई कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग सिंचाई कर रहे हैं यूरिया को। सो गाइस इतना सा भी है, इसको बोलते हैं हम लोग पलिया बोलते हैं। इस साइड का पलिया में है जो है ना पानी का भी सिंचाई हो चुका है, करीब 5 पलिया में पानी का भी सिंचाई हो चुका है। अब उस साइड से ना पूरा इधर जो लगाए हैं प्याज, उस साइड जो है ना गाइस फैलेगा पानी जो है। सो अभी तो इसको 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में जो है पानी का सिंचाई हो जाएगा पानी से प्याज का। उसके बाद एक बार और अभी हम लोग पानी सिंचाई करेंगे, उसके बाद फिर प्याज जो है जितना होना रहेगा हो जाएगा, क्योंकि आज रात में तो बैल जो है आकर खा दिए हैं तो पता नहीं, लेकिन अम्मा जो है ना इसको इसमें खातू छिड़के हैं और पानी सिंचाई किए हैं, तो कुछ हो सकता है। सो गाइस चलिए चलते हैं, फिर हम लोग जा रहे हैं इधर।